काफ़ी पॉपुलर है JBL का ये स्पीकर, और इसको हम लोग अपने लैपटॉप से कंप्यूटर से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? कंडीशन ये है कि आपके लैपटॉप कंप्यूटर में ब्लूटूथ आना चाहिए। कैसे चेक करेंगे है कि नहीं और कैसे इंस्टॉल करेंगे, वो सब आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेकआउट कर सकते हैं। अभी बताने वाले हैं अपने लैपटॉप या कंप्यूटर के साथ JBL की इस वायरलेस ब्लूटूथ ईयरफोन्स या हेडफोन्स को कैसे अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में आसानी से कनेक्ट करें। सबसे पहले करना है आपको कि यहाँ पर देखिए ये आपका ब्लूटूथ ईयरफोन है, और आपको इसको कुछ सेकंड के लिए दबाए रखना है स्विच ऑन करने के लिए। देखिए मैंने इसको ऑन कर दिया, और जैसे ही कुछ सेकंड के लिए आप दबाए रखेंगे, ये देखिए यहाँ पर जब वो इस तरह से ब्लिंक करना स्टार्ट कर देगा, यानी अब ये पेयरिंग मोड में है। अब आप इसको चाहें तो किसी भी डिवाइस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। अभी देखिए हम करते क्या हैं, यहाँ पर राइट साइड में चले जाते हैं। यहाँ पर आपको देखिए ये एरो का बटन है, यहाँ से ब्लूटूथ मिल जाएगा। अगर यहाँ पर ब्लूटूथ नहीं मिलता है तो आप यहाँ पर स्टार्ट वाले बटन पे जा कर के यहाँ पर भी ब्लूटूथ लिख सकते हैं, सॉरी ब्लूटूथ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये ऊपर की तरफ ब्लूटूथ लिखते ही यहाँ पर आ जाता है ऑप्शन ब्लूटूथ एंड अदर डिवाइसेस सेटिंग्स। आप इस पर क्लिक कर दीजिए। अगर ये वाला ऑप्शन आप यहाँ से कनेक्ट करके भी, यहाँ से ढूंढ करके भी लेके आते यहाँ से, तो भी वही ऑप्शन खुलता, सेम वही ऑप्शन खुलता है। देखिए यहाँ पर ऐड ए ब्लूटूथ डिवाइस पर जा सकते हैं आप, ठीक है ना? तो यहाँ पर भी आपको ऐड ए ब्लूटूथ डिवाइस वाला ऑप्शन आपको मिल जाएगा, ये रहा। तो आप क्या करिए, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, और ये पूछ रहा है कि किस तरह की चीज़ें आपकी, माइक है, ईयरफोन्स हैं, और किस तरह की चीज़ है, या वायरलेस कुछ पीसी वगैरह कुछ क्या है। तो आप ब्लूटूथ वाला जो ये वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक कर दीजिए। अभी अगर ये आपकी लाइट्स ब्लिंक कर रही है इस तरह से, तो ये इसको ढूंढ करके यहाँ पर ले आएगा। अब क्या करना है आपको, इसको ओके करना है, ये कनेक्टिंग स्टार्ट कर देगा, और कुछ ही सेकेंडों में ये देखिए डिवाइस इज़ रेडी टू गो। यहाँ पर देख सकते हैं आप कनेक्ट हो चुका है, और यहाँ पर आप डन कर दीजिए। अगर जानकारी अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी दबा देना, कमेंट में बताना जानकारी कैसे लगी और क्या नया जानना चाहते हैं।